लक्ष्मीबाई ने क्या डिमांड करी थी जिस डिमांड को मना कर दिया था रिफ्यूज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने तो देखिए इसका आंसर है हाँ एक चीज और देखिए आप लोग कहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी लंबे हो जाते हैं देखिए लंबे ना इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक तो क्वेश्चन में पूछी गई होती है फिर क्या होता है कि मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँ क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए आप सारे आंसर्स लिख पाएँ इसलिए मैं आंसर्स में एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करती हूँ तो अगर आपको फिर आप अगर आप समझ गए हैं ना तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए और कुछ पॉइंट्स अगर आपको लग रहा है ये वाले काट सकते हैं तो काट दीजिए फिर मैं आपको बता दिया करूँगी कि ये वाला पॉइंट आप अगर काटना चाहें तो काट दें बट मैं समझाऊँगी ना पूरा तो आप दिमाग में बैठ जाएगा फिर आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ये फायदा होता है तो देखिए इसका आंसर है रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी डिमांडेड कंपनी टू रिकॉग्नाइज हर अडॉप्टेड सन एज देयर एयर एयर का मतलब होता है जो एक तरह से जैसे कि मान लीजिए किसकी प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को आगे देना उसके बच्चे ले लें उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लें या उनके नाम वो प्रॉपर्टी हो जाए ये होता है मतलब वंशज होगा उस इंसान का कि मतलब हर इंसान चाहता है कि उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को मिले तो ऐर बच्चे होते हैं तो रानी लक्ष्मीबाई क्या चाहती थी कि उनके जो एडॉप्टेड सन हैं मतलब उनके नेचुरल सन नहीं थे उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया था जो गोद लिया बच्चा है उसको प्रॉपर्टी का हक दिया जाए और किंगडम का राजा माना जाए ऐसा रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी एडोप्टेड सन एज द एयर ऑफ द किंगडम आफ्टर द डेथ ऑफ हर हसबैंड जब उनके हसबेंड की डेथ हो गई थी तो जो उनका एडोप्टेड सन था कि उसको इस राज्य का हक मिले बट ब्रिटिशर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हर एडोप्टेड सन एज द रूलर ऑफ झांसी मगर जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एडोप्टेड सन को गोद लिए हुए बेटे को राजा मानने से इनकार कर दिया और ये जो पॉलिसी थी ये थी बाय डॉक्टराइन ऑफ लैप्स डॉक्टराइन ऑफ लैप्स का क्या मतलब होता है इसमें ना अगर मान लीजिए किसी राजा का अपना बेटा नहीं है खुद का सगा बेटा नहीं है नेचुरल सन नहीं है और उसने गोद लिया है तो गोद लिए हुए बेटे को राजा ब्रिटिशर्स या अंग्रेज नहीं मानेंगे यही पॉलिसी थी डॉक्टराइन ऑफ लैब्स की और डॉक्टराइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है उसको जो लॉर्ड डलहोजी था ना ये डलहोजी जो था इसने इंट्रोड्यूस किया था डॉक्टराइन ऑफ लैब्स को आप कैसे याद कर सकते थे कि डी से डॉक्टराइन डी से डलहोजी तो डॉक्टराइन ऑफ लैब्स को डलहोजी ने इंट्रोड्यूस किया था और डॉक्टराइन ऑफ लैप्स का ये मतलब था कि अगर कोई एडोप्टेड सन है कोई गोद लिया हुआ बेटा है तो उसको अंग्रेज सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसका वारिस नहीं मानेगी एयर का मतलब होता है वारिस कि जो प्रॉपर्टी राजा की है वो उसके बेटे को नहीं जाएगी ये थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल एयर हिज किंगडम वुड लैप्स मतलब खत्म हो जाएगी उसकी किंगडम एंड सच किंगडम वुड बी अनेक्स्ट अनेक्स्ट का मतलब होता है हड़प लेना और ऐसी किंगडम को हड़प लेगा कौन मतलब किसके अंदर चली जाएगी ब्रिटिश एंपायर के अंदर हावएर कंपनी कॉन्फिडेंट ऑफ इट सुपीरियॉरिटी एंड मिलिट्री पावर्स टर्न डाउन हर प्लीज तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने क्या कहा था कि भाई जब उनके पति की डेथ हो गई थी तो उनका जो गोदली हुआ बेटा है उसको राजा माना जाए मगर अंडर पॉलिसी ऑफ डॉक्टर ऑफ लैब्स इसका मतलब था कि जो गोद लिया हुआ बेटा है उसको हम राजा नहीं मानेंगे इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग रानी झांसी जो थी उनकी बात अंग्रेज़ों ने नहीं मानी और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जो किंगडम थी उनका जो राज्य था उसको अनैक्स कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा तो ब्रिटिश एम्पायर में उनके राज्य को मिला लिया गया क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर को पता था कि भाई उनको उनकी सुप्योरिटी ज़्यादा है मतलब उनकी सेना बहुत अच्छी है और वो झांसी को हरा देंगे तो इसलिए उन्होंने रानी ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं मानी और उनके राज्य को हड़प लिया और इसी में ही लड़ाई को लड़ते हुए ही लक्ष्मीबाई की डेथ भी हुई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ब्रिटिश डू टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया जो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए मतलब उन्होंने अपना धर्म बदल लिया और क्रिश्चियन बन गए उनके इंटरेस्ट को कि भाई वो उन्होंने धर्म बदला है तो उनका फ़ायदा होना चाहिए क्योंकि भाई अंग्रेजों के धर्म में वो बदले हैं तो ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या किया कि उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे उन लोगों के मतलब उन लोगों को कोई नुकसान ना हो जो क्रिश्चैनिटी में कन्वर्ट हुए हैं ऐसा मतलब उन्होंने कैसी पॉलिसीज़ बनाई उनको प्रोटेक्ट करने के लिए तो देखिए इसका आंसर है आफ्टर एटीन थर्टी कंपनी अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी तो 1813 के 30 के बाद क्रिश्चियन मिशनरी देखिए क्रिश्चियन मिशनरी का काम होता था लोगों का धर्म परिवर्तन करना मतलब कोई भी धर्म हिंदू मुसलमान जो भी हैं लोगों को धर्म बदलवाना लोगों का और उनको क्रिश्चियन बना देना तो क्रिश्चियन मिशनरीज का यही काम था तो एटीन के बाद बहुत सारा हमारे देश का हिस्सा पार्ट जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में था तो उन्होंने क्रिश्चन मिशनरीज़ को बिल्कुल खुली छूट दे दी कि तुम भाई ये जो है धर्म परिवर्तन का काम करवा सकते हो टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी तो लैंड वो जो है लैंड ओन एंड प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब है कि जमीन खरीद सकते हैं वो लोग और उस खरीदी हुई जमीन पर उनका अधिकार होगा फिर 1850 में न्यू लॉ वॉज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर फिर 1850 में एक नया लॉ और पास कर दिया एक नया और कानून पास कर दिया गया जिससे क्या हुआ क्रिश्चियनिटी में अपना धर्म बदलना मतलब क्रिश्चियन बन जाना और आसान बना दिया अंग्रेजों ने दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चैनिटी टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिस एनशेस्टर तो क्रिश्चैनिटी में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं जिन्होंने अपना धर्म बदला है वो लोग अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी 고! ले सकते हैं मतलब जैसे कि अगर उनके पिताजी का घर है तो उनके बेटे का हक हाँ हो जाएगा भले ही वो अपना धर्म क्यों नहीं बदल चुका हो बदल लिया धर्म क्रिश्चियन बन गया फिर भी प्रॉपर्टी पे हक हाँ उसका ही रहेगा तो मैनी इंडियंस बिगेन टू फील द ब्रिटिश वार डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन देयर सोशल कस्टम एंड देयर ट्रेडिशन ऑफ लाइफ अब मतलब धर्म बदलने के बाद पहले क्या होता था अगर धर्म बदल लिया तो प्रॉपर्टी पर हक हाँ नहीं रहता था अब क्रिश्चैनिटी में कन्वर्ट हो गए फिर भी प्रॉपर्टी पर हक हाँ रहेगा तो काफ़ी लोगों ने अपना धर्म बदल लिया था अब इस बातों से इंडियंस को लग रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो हमारे धर्म को बर्बाद कर रहे हैं हमारी जो वे ऑफ लाइफ है जिस तरीके से हम लोग जीते हैं उस चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग खराब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट ऑब्जेक्शन डिड द सिपॉयज हैव टू द न्यू कार्टेजेस दैट दे वर एस टू यूज तो नए कार्टेजेस देते थे कि कार्टेजेस का मतलब होता था जो गोलियाँ बारूद होता था ना बंदूक में बारूद डाला जाता था फिर उस बारूद से उस कार्टेजेस से क्या प्रॉब्लम थी जो सिपाही थे हमारे देश के वो लोग सिपाहियों को सिपोहे बोलते थे अंग्रेज ना तो इसलिए सिपाही लिखा हुआ है तो देखिए इसका आंसर है द न्यू काटेजेस वर सस्पेक्टेड ऑफ बींग कोटेड विद द फैट ऑफ काओ एंड पिक्स तो जो कार्टेज होता था ना ऐसे करके ऐसे करके होता था इसके ऊपर ना इसको ऊपर एक कवरिंग होती थी इस कवरिंग को ना मुंह से हटा मुंह में डाल करके उखाड़ना पड़ता था और फिर बुलेट जो है वो डाली जाती थी बंदूक में अब ऐसी अफवाह अबवाउडी या फिर बात सच थी कि इसके ऊपर जो कवरिंग है ना वो उस पर काओ का गाय का भी मीट है और उसमें सुअर का भी मीट है पिक का भी मीट है तो देखिए सुअर जो है वो हराम मतलब ऐसा होता है ना कि कहते हैं ये लोग अच्छा नहीं माना जाता है इस्लाम में तो वो लोग इसको नहीं खा सकते टच भी नहीं कर सकते और जो काउज हैं काओ का मीट हिंदू नहीं खा सकते हैं तो बहुत हिंदू और मुस्लिम सिपाए जो थे उन्होंने वर ऑफेंडेड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज कार्टेजेस अब मुंह में तो डाल नहीं सकते तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के दोनों ऑफेंड हो गए मतलब गुस्सा हो गया कि भाई हम ये कार्टेज जो हैं ये मुंह में नहीं डालेंगे तो ये आगे बताया जो मैंने आपको बताया अभी बिफोर लोडिंग दीज कार्टेजेस इन द राइफल्स अपॉय हैड टू बाइट इट टू ओपन द वेपम तो रैपर को मतलब खोलने के लिए उसको बाइट करना पड़ता था काट के खोलना पड़ता था अब मुंह में डाल दिस अफेक्टेड द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदू एंड द मुस्लिम अब इससे क्या हुआ हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हैट हर्ट हुए कैसे हर्ट हुए कि भाई इस तरीके से खोलना पड़ रहा है तो दिक्कत हो रही है और खोलने की वजह से मुंह में डालना पड़ रहा है तो भाई हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है तो इससे वो हिंदू और मुस्लिम कंसिडर कर रहे थे कि भाई ये चीज़ तो बिल्कुल सही नहीं है हिंदू और मुस्लिम की बात आ रही थी है ना यहाँ पे तो हिंदू जो है वो काओ को होली पवित्र मानते हैं और मुस्लिम पिग को बहुत ही डर्टी मानते हैं तो दोनों के दोनों पवित्र चीज़ को और बहुत ही गंदी चीज़ को खाया नहीं जा सकता है है ना तो काओ को हिंदू नहीं खा सकते और मुसलमान पिग को नहीं खा सकते इसलिए क्या हुआ देअर फोर सिपॉयज़ रिफ्यूज़ टू यूज़ दिस न्यू कार्टेजेस तो सिपॉयज ने मना कर दिया भाई हम ये कार्टेजेस नहीं यूज़ करेंगे दे फेल्टैट ब्रिटिश वर ट्राइंग टू इंसल्ट देयर रिलिजन्स और सिपाही को लगा कि जो हैं वो उनके धर्म की बेजती करने की कोशिश कर रहे हैं हाउ एवर द परसैप्शन दैट कार्टेज वर टेंटेड एडेड टू द लार्जेस्ट सस्पिशन दैट ब्रिटेन वर ट्राइंग टू अंडर माइन इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी और फिर उनमें यह भी बात आने लगी कि इंडिया की जो सोसाइटी है इंडिया के जो धर्म है इंडिया में जिस तरीके से भी चीज़ें होती हैं ब्रिटिश उस चीज़ को बहुत ही तुच्छ नज़रिए से बहुत ही छोटे नज़रिए से देख रहे हैं ये वाली चीज़ भी लोगों को अब लगने लगी फ्रॉम देयर पार्ट द ब्रिटिश डिड नॉट पे अनफ अटेंशन टू द ग्रोइंग लेवल ऑफ सिपॉई डिसकंटेंट डिसकंटेंट का मतलब होता है नाराज़गी अब मगर इतना सब कुछ हो रहा था फिर भी जो है अंग्रेज़ों ने कोई ज़रूरत नहीं समझी कि सिपाहियों के सामने कुछ क्लैरिफिकेशन दी जाए कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं है कुछ नहीं सोचा कुछ उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी कोई वैल्यू ही नहीं दी इस मैटर को फिर क्या हुआ 85 फाइव सिपॉयज वर डिसमिस्ड फ्राम सर्विस एंड सेंटेंस टू टेन ईयर इन जेल फॉर डिस देयर ऑफिसर और इनफैक्ट एट्टी जो है सिपाए थे उनको मतलब सर्विस से हटा दिया और उनको 10 साल की जेल भी दे दी क्योंकि उन्होंने उनके ऑफिसर्स ने उनसे कहा था कि मुंह में डालकर कितने निकालो उन्होंने सिपाहियों ने मना कर दिया तो भाई सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि डिसओबे किया है उनको 10 साल की सजा दे दी गई नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड लास्ट मुगल एम्पेयर लिव द लास्ट ईयर ऑफ इस लाइफ तो आखिरी मुगल एम्पायर जो थे बहादुर शाह जफ़र उन्होंने अपने जिंदगी के आखिरी साल कैसे बिताए तो जब औरंगजेब की डेथ हो गई थी आफ्टर द डेथ ऑफ़ औरंगजेब मुलग मुग़ल एम्पियर हेल्ड ओनली सिम्बेिकल्यू सिम्बॉलिक वैल्यू मतलब मुगल जो है जब औरंगजेब मर गए थे तो बहुत ही कमजोर उसके बाद जो मुग़ल एम्पर थे मुगल जो राजा हुआ करते थे बहुत ही कमजोर हुआ करते थे बहादुर शाह बहादुर शाह जफ़र जो थे वॉज द लास्ट एम्पर ऑफ मुग़ल डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी के लास्ट एम्पियर थे बहादुर शाह जफ़र ऑल दो आफ्टर औरंगजेब देर वॉज नो पावरफुल मुगल रूलर बट मुगल एम्पायर कंटिन्यू टू बी सिम्बॉलिकली इम्पॉर्टेंट औरंगजेब के बाद कोई पावरफुल तो था नहीं मुगल शासक मगर फिर भी सिंबल था एक तरीके से कि मुगल अथॉरिटी का सिर्फ सिम्बल एक चिन्ह टाइप का था बाकी उनके पास कोई पावर नहीं हुआ करती थी नेक्स्ट है इन फैक्ट वेन मेसिव रिबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश ब्रोक आउट इन एटीन फिफ्टी सेवन बहादुर शाहजा फर द मुगल एम्पेयर एट दैट टाइम वॉज पर एंड डिक्लेयर्ड एज द लीडर बाय द रिबेलियंस द एजिंग एम्पियर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड तो फिर मतलब ऐसी हालत थी बहादुर शाह जफर को कुछ मतलब नहीं था देश में क्या चल रहा है एटीन फिफ्टी सेवन का जो रिबेलियन हुआ था मुगल एम्पियर को उस टाइम लोगों ने परसुएट किया कि भाई आप इसका लीडर बन जाओ बल्कि उन्हें कुछ करना नहीं था फिर ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द रिवोल्ट ऑफ एटीन फिफ्टी सेवन अगेंस्ट ब्रिटिश काफी इंपॉर्टेंट रोल ऐसे प्ले किया था कि बहादुर शाह जफर जो वो लीडर के रूप में उभर के आए थे वंस द रिवोल्ट वॉज सप्रेस मगर जब रिवोल्ट को ख़त्म कर दिया गया बहादुर शाह जफ़र वॉज स्ट्राइड इन कोर्ट ब्लाइंडेड एंड सेंटेंस टू लाइफ एम्प्रिजमेंट तो बहादुर शाह जफर को अंधा कर दिया गया और पूरी लाइफ टाइम के लिए जेल में बंद कर दिया गया हिज सन्स वर शॉट डेड इन कोल्ड ब्लड बिफोर हिम और उनके सामने ही उनके बच्चों को उनके बेटों को मतलब जिंदा मार दिया गया गोली से उड़ा दिया गया फिर एट लास्ट ही एंड एज वाइफ बेगम जीनत महल वर सेंट टू प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858 फिर रंगून में 1858 में बहादुर शाह सफ़र को भेज दिया गया और बहादुर शाह सफ़र रंगून में उनकी डेथ हो गई जेल में 1862 में तो जेल में उनकी डेथ हो गई नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कुड बी द रीजंस फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिटिश रूलर्स अबाउट देयर पोजीशन इन इंडिया बिफोर मे 1857. तो जो कॉन्फिडेंस था ब्रिटिश रूलर्स को इंडिया में कि भाई हम तो राज करते रहेंगे 1857 से पहले वो कैसे बना था और उसके रीज़न क्या थे तो देखिए इसका आंसर है मिड एटीन सेंचुरी पावर ऑफ नवाफ एंड राजा वॉज ऑन इट लाइन तो मिड एटीन सेंचुरी जो था सेवनटीन फिफ्टी सेवन और ऐसे वाला जो टाइम था उसमें जो राजा नवाब सबकी पावर बहुत ही कम होती जा रही थी प्रजेंस ऑफ ब्रिटिश रेजिडेंट इन द कोर्ट फर्दर एडिड देयर अथॉरिटी एंड कर्टेल देअर फ्रीडम टू एडमिनिस्टर देयर किंगडम अब जो है ब्रिटिश रेजिडेंट ब्रिटिश ब्रिटेन के कुछ लोग रहा करते थे इन राजा महाराजा के किंगडम में और उनकी अथॉरिटी को मतलब राजा महाराजा कैसे डिसीज़न ले रहे हैं हर चीज़ में वो लोग दखल करते थे और इससे राजा महाराजा की पोजीशन और भी ज़्यादा कमज़ोर हु, हुए जा रही थी एट सेवनटीन फिफ्टी से एटीन तक जो है कंपनी ने सक्सेसफुली अनेक्स किया था मतलब अपने कब्ज़े में लिया था वेरियस इंडियन स्टेट वर्चुअली अन अपोज बाई यूजिंग अ वाइटी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक मैथड्स इट रेली हैड टू यूज़ मिलिट ट्री पावर और इसने ना सौ साल में बहुत सारे आ, आ, इलाकों को बहुत सारे राज्यों को अपने कब्जे में ले लिया था इकोनॉमिक पावर कभी पैसा दे करके कभी ऐसे ही मतलब ना इधर की उधर कर कर के एक राजा के साथ संधि करके दूसरे पर अटैक कर दिया फिर जब दूसरा राजा कमज़ोर हो गया जिसके साथ संधि की थी उसी पर अटैक कर दिया तो मिलिट्री पावर तो बहुत ही कम इन्हें इस्तेमाल करनी पड़ी और ऐसे ही ये लोग बेवकूफ़ बना करके जो है राजाओं को मारे जा रहे थे और उनके राज्य को हड़पे जा रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि भाई ये लोग तो बेवकूफ़ हैं उनके दिमाग में ये आ गई थी कि इंडियंस तो बेवकूफ़ हैं फिर देयर वल सेवरल रायर्स रिबेलियन एंड रिवोल्ट विच अकर्ड बिफोर मे 1857 बट ऑल दीज वर लोकलाइज एंड वर सप्रेस बाय द ब्रिटिश देन एंड देयर 1857 से पहले छोटे मोटे रिवोल्ट होते थे आंदोलन बहुत ही लोकल स्केल पे तो उनको आराम से ये लोग सप्रेस करते थे तो उन्हें लगता था कि हम तो इन्हें हरा ही देंगे इंडियंस में कोई दम है ही नहीं तो इन द मिड एटीन सेंचुरी नवाब ऑफ पावर्स ऑफ नवाब राजा ज़मींदार सब खराब हो चुकी थी इरोड हो चुकी थी फ्रीडम ऑफ इंडियंस रूलर्स वॉज रिड्यूस्ड आर्म forces were disbanded एंड their revenue एंड territories वर टेकन by स्टेजेस और मतलब आर्म फोर्सेज रखने की भी मनाही हो गई थी फोर्स नहीं रख सकते थे अपनी सेना नहीं रख सकते थे राजा जमींदार राजा और सबकी पावर बहुत ही ज्यादा इन्होंने एकदम से खत्म कर दी थी तो इनको लगी ही नहीं रहा था भाई इनके पास पावर ही नहीं है तो हम पे हमारे खिलाफ विद्रोह कैसे करेंगे राजा महाराजा और कोई भी लोग अंग्रेज ऐसा सोचते थे दूसरा रीजन य था अनदर रीजन फॉर द कॉन्फिडेंस ऑफ ब्रिटिश वॉज द डिक्लाइन ऑफ मुगल डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी भी खत्म होती जा रही थी, सबसे बड़ी डायनेस्टी वो खत्म हो रही है तो अंग्रेजों को लगा भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे तो कंपनी थ्रू वेरियस मेजर्स एंश्योर दैट डायनेस्टी केम टू एन एंड और उन्होंने ये भी इंश्योर किया कि डायनेस्टी खत्म हो जाए नेम ऑफ मुगल किंग वॉज रिमूव फ्रॉम द कॉइंस मिंटेड बाय द कंपनी अब कॉइंस पे पहले मुगल जो शासक थे उनके नाम वगैरह हुए करते थे उनको भी हटा दिया गया और डिसाइड जैसे बहादुर शाह जफ़र को कैसे मारा उनके डिसेंडेंट उनके बेटों को भी मार दिया तो इस इन सब वजहों से उन्हें लग रहा था अंग्रेज़ों को कि भाई अब कुछ नहीं हो सकता हमारे खिलाफ और वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे कॉन्फिडेंस थे मगर 1857 में सेवन हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इम्पैक्टेड बहादुर शाह जफर सपोर्ट टू द रिबेलियन हैव ऑन द पीपल एंड द रूलिंग फैमिलीज़ बहादुर शाह जफर ने रिबेल्स को जो रिवोल्ट किया था हमारे देश के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 में बहादुर शाह जफर ने उसको सपोर्ट किया था तो लोगों पर और राजाओं पर सब पर क्या असर पड़ा था इस बात का देखिए इसका आंसर है दो द रिबल्स व डिटरमाइंड टू ब्रिंग ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन द कंट्री टू एन एंड रिबल्स जो थे जो विद्रोही थे उन्होंने सोच लिया था कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स का जो रूल है इसको हम खत्म कर देंगे दे वर फेस विद द क्वेश्चन एज टू हु वुड रूल द लैंड वंस द स्पेस ऑफ पावर फेल वैकेंट बट उन्हें लगा कि भाई अंग्रेजों को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो रूल कौन करेगा राज्य कौन करेगा फिर हमारे देश में तो फिर क्या हुआ देर वॉज अ वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ़ दिस कंट्री एंड इट्स रूलिंग फैमिलीज सिंस बहादुर शाह जफ़र एक्सेप्टेड लीडरशिप एंड एक्सटेंडेड हिट सपोर्ट टू द रिबेलियन फिर लोगों ने कहा कि भाई कौन रूल करेगा तो बहादुर शाह जफर के पास गए फिर जब बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि ठीक है हम साथ देंगे तो बाकी सारे जो राजे महाराजे थे उनको लगा कि हाँ भाई हम भी साथ देंगे और कुछ किया जा सकता है तो ही आस्क ऑल चीफ्स और बहादुर शाह जफर ने सारे चीफ से रूलर से कंट्री के सबको मैसेज फॉरवर्ड किए और कहा कि हम सबको मिल कर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहिए तो सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन क्या क्या थी ऑल स्मॉल एंड बिग किंगडम्स किंग नवाब राजा प्रिंस जमींदार चीफ एंड इवन मैनी हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजियस लीडर वेलकम दिस एंड ज्वाइन हैंड्स टू रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनेटेड एंड started to join अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली कानपुर लखनऊ तो जैसे ही बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा कि भाई लीडर और हम इसको सपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे राजा बहुत सारे नवाब ज़मींदार और रिलीजियस लीडर पंडित मौलवी वगैरह भी इस रिबेलियन को सपोर्ट करने लगे और बहुत सारे जो हैं आर्मी के ट्रूप्स ने भी रिवोल्ट कर दिया अंग्रेज़ों के खिलाफ जैसे कि दिल्ली कानपुर लखनऊ में ट्रूप्स ने कहा कि हम अब अंग्रेजों की बात नहीं मानेंगे और इनके खिलाफ लड़ेंगे बहादुर शाह ज़फ़र डिसीजन टू ब्लेस रिबेलियन चेंज चुएशन ड्रामेटिकली वेन पीपल सॉ दिस अल्टरनेटिव पॉसिबली दे फेल्टस्पायर एंड एंथुजिया जब बहादुर शाह जफर ने डिसाइड किया कि वो रिबेलियन विद्रोह को सपोर्ट करेंगे तो सारी सिचुएशन बहुत ही एकदम चेंज सी हो गई और लोग इंस्पायर हुए एंथुसियास्टिक हो गए कि अब हम जीत सकते हैं तो देखिए ये आंसर आप यहाँ तक खत्म भी कर सकते हैं इतना सफिशेंट हो चुका है अब आगे जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप ज़्यादा अच्छे से इसको समझ पाएं मैनी स्मॉल रूलर्स एंड चीफ फेल मुगल रूलर कुड रूल अगेन दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज अंडर मुगल अथॉरिटी, उन्हें लगा कि अगर मुगल्स जो है आ जाएंगे फिर से तो अब हमारी जो अंग्रेजों ने हड़प ली है अथॉरिटी वो भी हमारे पास वापस आ जाएगी फिर इसमें है वन द रिबेल फोर्स रीच रेड फोर्ट बहादुर शाह वॉज रिलेक्टेड एट फर्स्ट टू टेक द माइट ऑफ द ब्रिटिश हाउ एवर ही हैड टू गिव इन एंड वॉज दस प्रोक्लेम दियर लीडर हैविंग दिस सिंपॉलिकपायड रिबेल टू फाइट द ब्रिटिश विद रिन्यूड कॉन्फिडेंस होप एंड करेज फिर वो लोग मेरठ से सारे सिपाही गए थे रेड फोर्ट रेड फोर्ट में रहते थे ना मुगल एम्पियर वहाँ पर गए और उनसे कहा कि भाई आप हमारे लीडर बन जाओ तो उन्होंने कहा ठीक है भाई हम आपके लीडर बन जाते हैं पहले तो रिलेक्टेंट थे फिर मान गए और फिर जब सबको लगा कि भाई बहादुर शाह जफर लीड कर रहे हैं तो बाकी सब लोगों ने भी सपोर्ट किया और काफ़ी बड़ा विद्रोह अंग्रेज़ों के खिलाफ छिड़ गया नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड ब्रिटेन सक्सीडेड इन सिक्योरिंग द सबमिशन ऑफ द रिबेल लैंड लॉर्ड्स लैंड ओनर्स ऑफ अवध तो ब्रिटिशर्स कैसे सक्सीड हो पाए थे सबमिशन मतलब जो लैंड ओनर थे अवध के जो ज़मींदार वगैरह थे वो भी ब्रिटिशर्स के अंदर कैसे आ गए मतलब ब्रिटिशर्स की बात कैसे मान ली उन्होंने तो देखिए ड्यूरिंग द रिवोल्ट डिफीट ऑफ ब्रिटिश फोर्सेस इन अ नंबर ऑफ़ बैटल्स कॉज्ड नंबर ऑफ अपराइजिंग्स अगेंस्ट द ब्रिटिश इन वेरियस इंडियन स्टेट रिवोल्ट जब हो रहा था तो ब्रिटिश फोर्सेस काफ़ी ज़्यादा हार भी रही थी तो काफ़ी सारे लोग हमारे देश के ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो रहे थे तो वाइड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर द विलेजेस टुक टू आर्म्स एंड द लैंडलॉर्ड्स लीड देम तो पूरे देश में चल रहा था पूरे नॉर्थ इंडिया में तो अवध के जो लैंडलॉर्ड्स थे जो ज़मींदार थे वो वो मतलब एक सेना टाइप की उन्होंने बना ली और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने लगे ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर टू ईयर्स टू सप्रेस द मैसेफ फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रिबेलियन और ब्रिटिशर्स को दो साल लग गए इस पूरे आंदोलन को दबाने में

एक तो ये थी ऑन द वन हैंड दे ट्राइड एंड हैंड नंबर ऑफ रिबेल लीडर हु चेंज देयर अथॉरिटी एंड कुड डू सो अगेन इन फ्यूचर एक तो क्या किया उन्होंने सजा दी बहुत सारे लोगों को टांग दिया मार दिया मतलब मरने की सजा मिल गई दूसरी तरफ दे ट्राइड टू विन लॉयल्टी ऑफ लोग फिर से उनके साथ आ एक तरफ तो सजा दी और दूसरी तरफ ये ट्राई किया कि लोग सारे के सारे वापस उनके लिए लॉयल हो जाए उनका साथ दें देना रिवॉर्ड फॉर लॉयल लैंड ओनर्स तो जो लोग जिन लैंड ओनर्स हैं जिन जमींदारों ने उनका साथ दिया था उनको क्या किया गया रिवॉर्ड दिए गए दे वर अश्योर दैट दे वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू इन्जॉय ट्रेडिशनल राइट ओवर देयर लैंड दोज हु हैड रिट बट टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिटेड टू ब्रिटिश एंड इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट एंड क्लेम्स टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड और जो लोग ने मतलब जिन लोगों ने उनका साथ दिया था उनको तो ज़मीनें वगैरह दी गई बहुत कुछ इनाम दिए गए और जिन लोगों ने उनका साथ नहीं दिया था मगर उन्होंने किसी भी वाइट को नहीं मारा था मतलब किसी भी अंग्रेज को नहीं मारा था तो उनसे कहा कि तुम अपने जो है लैंड राइट right हम तुम्हें दे देंगे मगर दोबारा तुम जो है कभी रिबेल नहीं करोगे अगर करोगे तो फिर जो है तुम्हारे जो राइट्स हैं सब कुछ ले लिए जाएंगे और अब तुम्हें हमारी सारी बातें माननी पड़ेंगी ऐसे करके जो है लोगों को बहला फुसला अपनी साइड इन्होंने कर लिया नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वॉट वेज दैट द ब्रिटिश चेंज ये पॉलिसी एज द रिजल्ट ऑफ रिबेलियन ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने अपनी पॉलिसीज को किस तरीके से बदला तो इसका आंसर है देखिए चेंजेस इन द 1857 क्या, -क्या बदलाव है तो ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पहले कंपनी का रूल चलता था अब ब्रिटिश सरकार का सरकार मतलब राजा रानी रानी का रूल रहेगा ब्रिटिश क्राउन का ब्रिटिश पार्लियामेंट पास एन एक्ट इन एटीन अंडर विच पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी व ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन इन ऑर्डर टू इंश्योर अ मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयरस Governor General of India was given title of Viceroy. Viceroy गवर्नर जनरल जो पहले कहा करते थे उन्हें वॉयस रॉय कहा जाने लगा और पहले कंपनी का रूल चलता था अब ब्रिटिश क्राउन का रूल रहेगा और ब्रिटिश क्राउन बहुत ज़्यादा एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उन्होंने बनाई और गवर्नर जनरल बनाया जिसका नाम पहले गवर्नर जनरल था वॉयस रॉय उसको कहने लगे और बहुत सारी पावर्स वॉयस रॉय को दे दी गई ताकि इंडिया में उनका जो रूल है उनका राज्य सही तरीके से चलता रहे नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्टराइन ऑफ लैब्स वॉज अबॉलिस्ड राइट टू एडोप्शन वॉज रिकोगनाइज एंड द एडोप्टेड सन वुड बी ट्रीटेड एट एयर टू दोन राज्यों ने विद्रोह किया उसको हटा दिया गया देना ब्रिटिश क्वीन एज देर सोवरिन पैरामाउंट दस इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउंड तो मतलब राज्य वापस कर दिए गए और जितने भी राजा थे उनसे यह कहा गया कि आपको जो है हमारी क्वीन को सबसे ऊपर मानना पड़ेगा तो आप अपना किंगडम अपने पास रख सकते हैं आगे है प्रपोर्शन ऑफ इंडियंस इन द इंग्लिश आर्मी वाज रिड्यूस पहले इंग्लिश मतलब जो था आर्मी में बहुत सारे लोग इंडियंस थे बट अब क्या करा इन्होंने नंबर रिड्यूस कर दिया ऑल इंपॉर्टेंट पोस्ट वर गिवन टू यूरोपियंस ओनली इट वाज डिसाइडेड दैट मोर सोल्जर्स वुड बी रिक्रूटेड अमंग गोरखा सिख और पठान तो गोरखा सिख और पठान जो इनके साथ लॉयल रहे थे 1857 में इनको ज़्यादा से ज़्यादा पोस्टों पे रखा जाएगा और बड़ी पोस्ट जो हैं वो सिर्फ अंग्रेज़ों के लिए यूरोपियंस के लिए सेव करके रख दी गई लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम वॉज कन्फिस्केटेड ऑन अ लार्ज स्केल एंड दे वर ट्रीटेड विद सस्पेशन एंड हॉस्टिलिटी और जो मुसलमान थे वही लीडर थे ना बहादुर शाह जफर तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी को मतलब अपने कॉन्फिसकेट कर लिया गया मतलब हड़प लिया गया अंग्रेज अंग्रेजों ने उसको अपने कब्जे में ले लिया और उनको सस्पेशन से मतलब ऐसी नज़रों से देखने लगे कि ये विद्रोह कर सकते हैं ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिबेलियन इन द बिग वे ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि मुसलमान जो हैं मुस्लिम्स हैं वही जो विद्रोह हुआ है उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल हैं पॉलिसीज वर मेड टू तो प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द लैंड लॉर्ड्स एंड जमींदार एंड गिव दैम सिक्योरिटी ऑफ़ राइट्स ओवर देयर लैंड एंड प्रॉपर्टी ज़मींदारों को उनकी प्रॉपर्टी वापस कर दी गई और मतलब बोला गया कि अब तुम्हारी सिक्योर है तुम्हारे राइट्स जो हैं वो पूरी तरीके से तुम्हें हक सारे दिए जा रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट है प्रामिज नॉन इंटरफेरेंस इन द स्पेयर ऑफ रिलीजन ब्रिटिश इज दैट पीपल ऑफ़ इंडिया दैट देयर रिलीजियस कस्टम्स सोशल प्रैक्टिस वुड बी रिस्पेक्टेड एंड नॉट इंटरफेयर और ब्रिटिशर्स ने लोगों से ये वादा किया कि आपका जो रिलीजियस प्रैक्टिसज हैं आपके जो धर्म से रिलेटेड रे चीज़ें हैं उसमें हम दखलंदाजी नहीं करेंगे आप अपनी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं तो पूरा चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन हो गया है आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा थैंक यू